और बात करेंगे यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के बड़े बयान के बारे में। जी हां, टीएमसी नेता लखनऊ ना आए, डीजीपी ओपी सिंह ने यह स्पष्ट किया है, ये साफ कहा है। टीएमसी नेताओं को लखनऊ आने से रोका जाएगा, लोगों को भड़काने नहीं दिया जाएगा। हिंसात्मक प्रदर्शन में शामिल अब तक 879 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने खुद ये बात कही। इसके साथ साथ सभी से बार बार शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। इसके अलावा जितने भी डैमेज हुए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, उसका हिसाब किया जा रहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई है और उपद्रवियों से ही उसका हर्जाना वसूला जाएगा। अगर आरोपी उपद्रवी नहीं है तो फिर उन्हें चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सबूत मिल जाते हैं उनके खिलाफ तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। और इसी बीच डीजीपी ने यह स्पष्ट कहा है कि टीएमसी नेता को लखनऊ नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें यहां पर लोगों को भड़काने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अवनीश, क्या कहा जाए, यहाँ उत्तर प्रदेश में वैसे ही पहले से स्थिति इतनी गंभीर है, पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, खुद डीजीपी को लाठी डंडे हाथ में लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और ऊपर से टीएमसी नेता अपनी सियासत चमकाने के मकसद के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं, जिन्हें आने के लिए मना कर दिया है डीजीपी ने। उत्तर प्रदेश डीजीपी ओपी सिंह का बयान आया है और बयान में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। मुख्य तौर पर किसी भी तरीके के ऐसे नेता, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उन लोग इस तरीके से धार्मिक उन्माद या किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत फिलहाल लोगों से बातचीत नहीं करने दी जाएगी, यानी उनको उन इलाकों का दौरा नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उन्होंने जानकारी दी है, रात से लगातार धरपकड़ जारी है, अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हुई कंटेनमेंट में, उन सब गिरफ्तारियां हुई हैं। 880 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, 288 पुलिसकर्मी घायल, कई ऐसे हैं, साथ बहुत गौर करने वाले की संख्या, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बुलेट गिरी से घायल हुए हैं, यानी प्रदर्शनकारियों की ओर से जो है वो अवैध रस्तों और इसके माध्यम से पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और इसमें करीब 288 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं, यानी एएसपी, डीएसपी स्तर के भी अधिकारी हैं जिनको चोट लगी है। इन प्रदर्शनों में कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था कायम रखे, सीआरएएफ, सीआरपीएफ, इसके अलावा जो भी सुरक्षा बल, पीएसी, सभी के माध्यम से अलग अलग जिलों में जहां जहां सेंसिटिव जोन है वहां पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सभी डीएम, एसएसपी, सभी को इस बात के निर्देश हैं कि वो उसी तरीके से योगी सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला, योगी सरकार की पुलिस हर संभव तरीके से यहां पर स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये टीएमसी नेता क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों इस तरह से वहां पर आकर लोगों को भड़काना चाहते हैं? हालांकि डीजीपी ने यह मना कर दिया है कि आपको आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके आखिरकार इस तरह की कोशिशें की क्यों जाती है? इन नेताओं को समझ क्यों नहीं आता, स्थिति की गंभीरता को समझ क्यों नहीं पाते हैं? पॉलिटिकल एजेंडा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो एक अलग तरीके की गतिविधि है जिसको करने की कोशिश। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनको कई तरीके से बीजेपी और दूसरी पार्टियों से दिक्कत होती है, लिहाजा वो उन राज्यों में इस तरीके की विरोधाभास की या राजनीतिक तौर पर इस तरीके से उत्पीड़न की स्थितियां बाहर दिखाना चाहते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा के चलते जनता को थोड़ी ना फूंक दिया जाएगा इस तरह से हिंसा की आग में। आखिरकार ये सियासतदान ही तो इस तरह से आग लगाते हैं। जगह जगह हमने देखा भी, सपा जिला अध्यक्ष के जिस तरह से नाम सामने आने की बात कही जा रही थी, सपा के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर लोगों को भड़काने का काम किया, तभी तो हिंसा इस तरह से उग्र होती चली गई। ये प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही राजनीतिक प्रदर्शन से हुई। राजधानी लखनऊ ही पहला सेंटर था जहां पर सबसे पहले राजनीतिक विरोध शुरू हुआ, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वर्कर्स ने आज प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म होने की प्रक्रिया के दौरान ही दूसरे हिस्से में लखनऊ के बवाल शुरू हुआ, और राजनीतिक परिवर्तन, जो राजनीतिक प्रदर्शन था वो एक हिंसात्मक प्रदर्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से सिलसिला जब शुरू हुआ है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात सही कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसमें कई सारे बिल्कुल जनता रो रही है, जनता करा रही है, त्राहिमाम कर रही है, हर तरफ आग और हिंसा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भड़की थी, उस बीच विनम्रता की बात है या फिर कहा जाए कितने शर्म की बात है कि इन नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही है, और ये नेतागण सिर्फ अपने राजनीतिक हित, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते यहाँ आना चाहते हैं। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह ने उन्हें मना कर दिया है, उन्हें आने से रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए।